शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 15 जनवरी को 5 टाइगर पहुंचने वाले हैं। इसकी तैयारियों को लेकर नेशनल पार्क अमला जुटा हुआ है। शिवपुरी की सांग के सागर झील घोषित होने के बाद शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क विश्व पटल पर अपनी अलग ही पहचान रखता है, परंतु अनदेखी का शिकार होती हुई सांग के सागर झील आज जलकुंभी की चपेट में आ चुकी है। इधर इस जलकुंभी को हटाए जाने के लिए जिम्मेदारों द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसके चलते शिवपुरी पहुंचने वाले पर्यटकों में मायूसी देखने को मिल रही है। वहीं अब पर्यटकों की मायूसी दूर करने की वजह से नेशनल पार्क प्रबंधन ने सांग के जागर झील में संचालित बोटिंग को बंद करने का फरमान जारी कर दिया है। नेशनल पार्क प्रबंधन के इस फैसले से आगामी समय में शिवपुरी पहुंचने वाले टूरिस्टों की संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम खान है, मैं यहाँ बैंक्वेट देखता हूँ। अच्छा, अभी ये फॉरेस्ट ने एक नोटिस दिया है नौकायान को लेकर, क्या कुछ पूरी मामला है? हाँ, फॉरेस्ट की तरफ से एक हमारे पास एक आदेश आया है अपना बोट क्लब के संबंध में, क्योंकि चूँकि आप सभी की नॉलेज में भी मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जलकुंभी जो है इस साख्या सागर झील में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके संबंध में फॉरेस्ट की तरफ से एक आदेश आया है कि आगामी आदेश तक बोट क्लब जो है प्रतिबंधित किया जाता है। इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म में जो सैलानी आते हैं उनमें भी निराशा होगी, कम आ रहे होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये जो होता दिसंबर जनवरी नवंबर, ये है हमारा पीक टाइम होता है एक तरह से सैलानियों की और पर्यटकों की दृष्टिगत से। काफ़ी टूरिस्ट इस समय आते हैं जो कि रेस्टोरेंट और रूम में रुकने के साथ साथ एक उनके मन में एक बोटिंग को लेके भी उत्साह होता है, लेकिन चूँकि जब वो बोट क्लब पर जाते हैं और देखते हैं कि बोटिंग बंद है, तो एक निराशा और एक मायूसी सी उन लोगों में रहती है, और एक पर्यटन को भी एक नुकसान जो है हो रहा है, क्योंकि लोग बड़ी उम्मीद के साथ में यहाँ बोट क्लब पे आते हैं आसपास क्षेत्रों से, और उनको बोटिंग करने को नहीं मिलती है, तो एक निराशा सी जाहिर लोग करते हैं। जलकुंभी की सफाई की व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था की गई, क्या फॉरेस्ट कराई या टूरिज़्म कराएगा इसको? साख्या सागर लेक जो है अभी रामसर झील का भी इसे दर्जा मिला है, तो चूँकि ये फॉरेस्ट के अंदर में ही आती है, तो फॉरेस्ट ही इसको साफ सफाई देखेगी।